अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए पॉपकॉर्न विद कैरामल सॉस। बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैंने लिया है पॉपकॉर्न, एक कप मैंने पॉपकॉर्न लिया है। मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। हम इसको कैरामल सॉस के साथ बनाएंगे, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और बच्चे बहुत शौक से जो है खा लेते हैं। पॉपकॉर्न वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं और इसको खाने से बच्चे बहुत खुशी महसूस करते हैं, खासकर अगर वो वीडियो देख रहे हों, कोई फिल्म देख रहे हों या मैच पे। तो आज मैच भी है तो मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए ये बना लूँ, क्योंकि बच्चे बैठ के मैच देखेंगे, क्रिकेट का मैच, तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा खाने के लिए। तो आज मैं सोच रही थी उनके लिए मैं ये पॉपकॉर्न विद कैरामल सॉस तैयार कर दूँ। आप जितना चाहें इसको जो है आप बना सकती हैं। मैंने एक कप लिया है, मेरी ज़रूरत के मुताबिक एक कप मैं बिल्कुल प्लेन बनाऊंगी, एक मैं कैरामल सॉस के साथ बनाऊंगी। जब आपके पॉपकॉर्न उछलना शुरू हो जाएंगे तो इसको हम ढक देंगे और ये जो है खुद ब खुद पकते रहेंगे। इनकी आवाज़ से पता हमें चल जाएगा कि ये हो चुके हैं कि नहीं। आप मेरे साथ रहें, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बनाना कितना आसान है। जब आप देखें कि ये फूलना शुरू हो गए हैं तो आपको चाहिए कि आप इसको ढांप के रख दें। अब मेरे पॉपकॉर्न जो हैं फूलना स्टार्ट हो गए हैं तो मैं इसको ढांप दूंगी। कोशिश कीजिएगा फ्लेम जो है ज़्यादा हाई पे ना हो, तो आप थोड़ा सा लो फ्लेम पे इसको पकाएं। ये आवाज़ आना बंद हो गई है तो अब हम जो है इसका ढक्कन उतार के देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारे पॉपकॉर्न जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम है जो सॉस है कैरामल सॉस वो बनाएंगे। कैरामल सॉस बनाने के लिए हमें चीनी की ज़रूरत है। चीनी मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, ये देखें एक कप से थोड़ा सा कम, उसको हम सॉस पैन में डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड कर सकती हैं और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। मुझे हाफ जो थे वो नमकीन निकालने थे प्लेन, और हाफ को मैं कैरामल सॉस के साथ करूंगी, इसलिए मैंने इतनी चीनी, मेरे लिए बहुत है। अब इस चीनी को हम थोड़ा सा पिघलाएंगे, वक्फे वक्फे से हम थोड़ा सा इसको ऐसे हिला लेंगे। हमारी चीनी जो है वो पिघल रही है।
फ्लेम आपको हाई नहीं रखना, अगर आप हाई रखेंगे तो ये आपकी चीनी जो है वो जल जाएगी। अब इस टाइम पे जब हमारी ये चीनी तकरीबन सारी पिघल चुकी है तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मक्खन। इतनी मिकदार में मक्खन का ले रही हूँ। बटर जो है ये इसको नरम रखेगा और पॉपकॉर्न इसमें बहुत मज़े के बनते हैं। अब हम मक्खन को, मैंने मक्खन को तकरीबन 15-20 मिनट पहले निकाल के रख दिया था फ्रिज से, और ये जो है अच्छा खासा जो नरम है, इतना ठंडा नहीं है। ये देखिए हमारा मक्खन भी जो है वो पिघल गया है। अब हमने क्या करना है, हमने 1 कप दूध लेना है, लेकिन हम दूध को एक साथ नहीं डालेंगे, पहले हाफ दूध शामिल करेंगे इसमें। बहुत अच्छा सा, बहुत क्रीमी सा ये टेक्सचर बन जाएगा इसका। ये देखें मेरा सारा मिक्स हो चुका है, कहीं पे भी जो है वो जमा हुआ नहीं है, बहुत आराम से हो रहा है। अब इस टाइम पे मैं थोड़ा सा और दूध इसमें शामिल करूंगी। अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना, हम साथ साथ में जो है इसमें चम्मच लगाते रहेंगे ताकि ये जो है अच्छे से घुल जाए और ये छिपके नहीं। इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा होने देंगे। हमारा सॉस जो है वो गाढ़ा हो रहा है, ये देखें, लेकिन ये अभी तैयार नहीं है, काफी पतला है। ये देखें हम इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा जो है फ्लेम आप उसको लो रखेंगे, और अगर आप बनाते रहते हैं, आपको एक्सपीरियंस है किचन का, तो आप जो है अपना फ्लेम हाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जल जाएगा तो इसका टेस्ट जो है बहुत बुरा लगता है, और बच्चे क्या बड़े भी फिर उसको नहीं खाते, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पे ही बनाएं। और टाइम तो लगता है इसको बनाने में, लेकिन फिर इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है, और छोटों को बड़ों को सबको फिर बहुत पसंद आता है। अब मैं इसको कर देती हूँ ऑफ, ठीक है, और अब हम इसे शामिल करेंगे अपने पॉपकॉर्न्स में। यहाँ पे मैंने 2 बाउल्स में पॉपकॉर्न रख दिया है, इस पे मैंने हल्का सा नमक डाला है, नमक डाल के तो मैंने ये प्लेट ऐसे रखी है, और इसको अच्छे से जो है इस तरीके से आपने मिक्स कर देना है। ये हमारे जो है पॉपकॉर्न, ये नमकीन तैयार हो चुके हैं, हम इसको साइड पे रख देंगे, और इन पॉपकॉर्न्स में हम शामिल करेंगे अपना कैरमल सॉस। सारा सॉस मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बना हुआ कैरमल सॉस तकरीबन 10 दिन तक आप उसको सेव कर सकती हैं फ्रिज में, और लगाने से पहले आप उसे हाफ आवर्स के लिए अगर बाहर निकाल देंगी तो बिल्कुल नॉर्मल सा और अच्छा सा हो जाएगा, और उससे भी पॉपकॉर्न बहुत अच्छे बन जाते हैं। जब आप गरम गरम पॉपकॉर्न उस पर ऐड करेंगी तो आपके पॉपकॉर्न जो है अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब ये देखें मेरे पॉपकॉर्न मिक्स हो चुके हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बच्चे बार बार किचन में आ रहे हैं देखने के लिए, और ये मेरे पॉपकॉर्न बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हैं।
उम्मीद करती हूँ मेरी ये डिश आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये बनाया है कि नहीं और आपके बच्चों को पसंद आया है कि नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।